दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई ज़रूर आपके मोबाइल में एक छोटी सी प्रॉब्लम आपके सामने फेस करनी पड़ रही है आपको। वो क्या है मैं आपको बता दूं कि आपका मोबाइल जब भी आप किसी हॉटस्पॉट से अपने वाईफाई को कनेक्ट करते हैं तो भाई आप ऊपर नोटिफिकेशन बार में देखेंगे कि बार बार आपकी जो वाईफाई है मोबाइल की वो डिसकनेक्ट हो जा रही है। बार बार नेट कनेक्ट होता है और बार बार नेट डिसकनेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिक अपने आप 10-20 सेकंड में बार बार डिसकनेक्ट होकर वापस से फिर कनेक्ट होता रहता है, जिससे आपको काम करने में अपने मोबाइल में आप जो कुछ भी करते हैं नेट चलाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो भाई आज की वीडियो में मैं आपको 100% सॉल्यूशन देने वाला हूं इस चीज़ का। आपको सिर्फ 2 स्टेप फॉलो करना है और भाई ये प्रॉब्लम आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई वीडियो को कर दीजिए फटाफट से लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए अब मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको ओनली 2 ट्रिक लगानी है और भाई ये समस्या आपकी 100% ख़त्म हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपकी समस्या जड़ से ख़त्म होने वाली है। आपको सबसे पहले वाईफाई में जाना है और वहाँ पर आपको वाईफाई के ऑप्शन में जाके आपको सेव्ड नेटवर्क में जाना है। सेव्ड नेटवर्क का मतलब मैं आपको बता दूँ क्या होता है। आपने इन पास्ट जितने भी वाईफाई कनेक्ट की होगी, जितने भी हॉटस्पॉट से आपका मोबाइल कनेक्ट हुआ होगा, सबके नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको सिंपली उन्हें यहाँ से डिलीट कर लेना है, ठीक है। यहाँ से आप फॉरगेट कर देंगे या फिर डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा, उनको आप इस तरीके से देखें, मैंने फॉरगेट कर दिया तो ख़त्म हो गया। यहाँ से हो सकता है आपकी वाईफाई जो लिस्ट है वो यहाँ पर पूरी भर चुकी हो, तो आपको उन्हें डिलीट कर देना है। इस तरीके से भी लिस्ट फुल होने की वजह से भी वाईफाई बार बार डिसकनेक्ट हो जाती है। नंबर 2 एंड लास्ट स्टेप आपको क्या करना है, आपको जाना है भाई आपके पास चाहे कोई सा भी मोबाइल क्यों ना हो, मेन सेटिंग ओपन कर लेनी है और उसके बाद आपको आपको देखना है अपना मोबाइल का कि जहां पे आपका मोबाइल रीसेट होता है, डाटा फॉर्मेट होता है, वहां आपको जाना है। आप घबराए नहीं, आपका कुछ भी डाटा फॉर्मेट नहीं होगा, आपको मोबाइल फॉर्मेट नहीं करना है। आपको ओनली वो ऑप्शन यहाँ पर निकाल लेना है जहाँ पर मोबाइल रीसेट वाला ऑप्शन मिलता है, चाहे कोई सा मोबाइल हो सब में आपको सेटिंग मिल जाएगी। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पर ढूंढ लेना है रीसेट वगैरह अगर कुछ ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो देखें यहाँ पे मुझे रिसेट ऑप्शन मिल चुका है, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और भाई यहाँ पे आप देखेंगे आपको यहाँ पे 3-4 तरीके के ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे। तो आपको यहाँ पे वो ऑप्शन ढूंढना है जहाँ पे लिखा होगा रिसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक कर लिया है। अब यहाँ पे आप रिसेट सेटिंग पे ओके कर देंगे और भाई जो भी आपके फ़ोन का पासवर्ड होगा उसे आप भर के ओके कर देंगे। तो जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पे आपकी सेटिंग रिसेट हो जाएगी और भाई जो भी आपकी वाईफाई या नेटवर्क वगैरह में प्रॉब्लम होगी वो सारी ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी और आपका मोबाइल पहले की तरह ही ऑटोमेटिक बराबर कनेक्ट रहने लगेगा वाईफाई से। तो दोस्तों ये और इसको आपको करने के बाद आपको एक बार अपना मोबाइल रीस्टार्ट कर लेना है या पावर ऑफ करके दोबारा से ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो और आपकी प्रॉब्लम भाई इस वीडियो को देखने के बाद 100% ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।